Please like, share and subscribe my channel. Hello everyone, be healthy and be happy. आज मैं बात करने जा रही हूँ हांजा टी के बारे में आपसे. ये काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए. इसको हांजा सिविलाइजेशन के लोग यूज़ करते हैं. हांजा एक प्लेस है जो कि गलगित बल्चिस्तान में पड़ता है. ये स्मॉल ग्रुप है, 350 से 360 लोग रहते हैं. इनको वर्ल्ड का हेल्दीस्ट पर्सन माना जाता है. ये अलाइव रहते 120 ईयर तक, समटाइम 160 ईयर ऑल्सो. एक राइटर है रोनाल्ड, उन्होंने इनके ऊपर बुक लिखी है, उसका नाम है हेल्दी हांजा 1948 में. उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या रीज़न है. उसका रीज़न है कि ये ऑर्गेनिक फूड यूज़ करते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज एंड वाटर ऑल्सो. इनका वाटर काफ़ी अच्छा होता है, ये ग्लेशियर वाटर नाम से जाना जाता है. ये कभी भी फिल्टर वाटर यूज़ नहीं करते हैं. इनके वाटर को फॉरनर्स काफ़ी यूज़ करते हैं और वहाँ के लोकल टूरिस्ट भी. और उस बुक में इन्होंने इस टी के बारे में भी डिस्क्राइब किया है. चलिए मैं टी के बारे में बताती हूँ आज कैसे बनती है. तो 5 कप वाटर लिया है और इसमें मैं डालूंगी, ये जिंजर है, दालचीनी है, ये तुलसी है, बेसिल लीव्स है, ये मिंट है, ये कार्डमम है, इसको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है, जैगरी है. इन सारी चीज़ों को मैं इस वाटर में डाल दूंगी. ये सारी चीज़ें पैन में डाल दी हैं. इसको मुझे 20 मिनट तक कुक करना है, जब तक इसका पानी 4 कप ना हो जाए. इस चाय को मुझे 4 बार लेना है दिन में. एक मॉर्निंग में लेना है, उसके बाद आप लंच के बाद ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं, डिनर के बाद भी ले सकते हैं. इसको 10 डेज तक लीजिए आप इस चाय को. 10 डेज में ही आपको काफ़ी चेंज दिखेगा अपनी बॉडी में इस चाय को लेने से. इससे वजन भी काफ़ी जल्दी कम होता है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है. ये एक एंटी एजिंग चाय है, इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और इन्फ्लेमेशन कम होगा. ये डायबिटीज़ और अर्थराइटिस वालों के लिए काफ़ी अच्छी चाय है. ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है. यहाँ के लोगों को कैंसर जल्दी नहीं होता, ये इतने हेल्दी होते हैं. तो देखा आपने इस चाय के कितने सारे फायदे हैं. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.